प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय दो शुरू करते हैं। ये कविता है, शीर्षक है पतंग। पतंग शीर्षक कविता आज हम पढ़ेंगे। कवि है आलोक धनवा। आलोक धनवा की पतंग नाम की कविता बहुत बड़ी लंबी कविता है, लेकिन उस कविता का जो तीसरा भाग है वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग कविता के इस तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे। इस कविता में हम देखें तो बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, जैसे बेशुद्ध होकर के दौड़ना या पतंग उड़ाना या हमेशा गतिशील रहना, साइकिल चलाना, ये सब क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है। हम कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित ये कविता है। और इस कविता में बिंबों का अधिक प्रयोग किया गया है, प्रयोगवाद से संबंधित ये कविता है। एक बार वाचन करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल थी चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शीर्षक पतंग है तो इसमें पतंग का ज़्यादा वर्णन होगा। सबसे तेज बौछारे, बौछारे यानी वर्षा, भादो यानी भाद्रपद का महीना, और गया यानी बीत गया, समाप्त हो गया। कहा गया है कि भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, मुख्य रूप से श्रावण और भाद्रपद, ये दो महीने ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए कहा गया है कि भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है वह महीना तो बीत गया है। सवेरा हुआ, उसके बाद भाद्रपद का महीना बीत जाने के बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वर्षा ऋतु बीत गई उसके बाद शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तो यहाँ सवेरा हुआ, ये शरद ऋतु की हम बात कर रहे हैं। अब शरद ऋतु, भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है वह महीना तो बीत गया है, अर्थात वर्षा ऋतु बीत गई है। अब शरद ऋतु आ गई, उसकी बात कर रहे हैं कि शरद ऋतु का सवेरा हुआ। शरद ऋतु का सवेरा कैसा होता है वो बता रहे हैं। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, यहाँ जब सूर्योदय होता है तो हम जानते हैं कि लालिमा छा जाती है उस समय,
तो वो लालिमा की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की जा रही है कि शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो वह सवेरा खरगोश की लाल आंखों जैसा था। उस सूर्योदय की जो लालिमा युक्त प्रभा है उसकी तुलना खरगोश की लाल आंखों से की जा रही है और वाचक शब्द आया है जैसा। तो हम समझ गए हैं यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। शरद ऋतु का सवेरा हुआ यह सवेरा खरगोश की लाल आंखों जैसा था। शरद आया, यहाँ शरद आया नहीं, शरद ऋतु का सवेरा आया का मतलब हुआ। जब शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो ऐसा लगा पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ शरद ऋतु का सवेरा पुलों को पार करते हुए आ रहा है, नई चमकीली साइकिल चला रहा है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है। अर्थात ये जो क्रियाएं हैं वो मानव की हैं, किसी बच्चे के द्वारा की जा रही है, लेकिन इन क्रियाओं को सवेरे के साथ जोड़ दिया है। शरद ऋतु के सवेरे के लिए सारी क्रियाएं बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में ये क्रियाएं मानव ही कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है कि जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए, अपनी साइकिल कोई बच्चा चला रहा है और पुलों को पार करते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है। जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है, ठीक उसी प्रकार शरद ऋतु का सवेरा हुआ, ठीक उसी प्रकार शरद ऋतु का सवेरा हुआ। तो शरद ऋतु के सवेरे की तुलना इस तरह से क्यों की गई है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे साइकिल चमचमाती हुई होती है, नई साइकिल चमक होती है उसमें, ठीक उसी प्रकार जब सूर्योदय होता है तो उस सूर्य में भी उस समय चमक होती है। पुलों को पार करते हुए क्यों कहा गया? कि जैसे कोई बच्चा साइकिल से पुल पार करता है, ऐसे ही सूर्योदय भी पहाड़ों के पीछे से सूर्य निकलता है तो वह ऐसा लगता है जैसे पुल को ही पार करके आया है। और घंटी बजाने का उल्लेख क्यों किया गया है? कि जैसे बच्चा साइकिल की घंटी बजाता है, जोर जोर से ध्वनि होती है, आवाज होती है, सूर्योदय होने के बाद भी विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियाँ शुरू हो जाती है, लोगों की चहल पहल और लोगों की आवाज़ भी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार से सवेरे की तुलना की गई है। यहाँ जोर जोर से एक ही पद की पुनरावृत्ति लगातार हुई है, अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है, उसी प्रकार शरद ऋतु का सवेरा हुआ। अर्थात उस सवेरे में चमक थी, उस साइकिल की तरह चमक थी, पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय हुआ था और सूर्य उदय होने के बाद अनेक प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगी। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इस शरद ऋतु के सवेरे की बात है। शरद ऋतु का यह सवेरा
अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, समूह को बुलाता है। झुंड यानी समूह। यह शरद ऋतु का सवेरा चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को या समूह को बुला लेता है। अर्थात जैसे ही ये चमकीला सूर्योदय होता है शरद ऋतु में, तो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर पहुंच जाते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये दोनों पंक्तियां एक जैसी हैं, एक ही बार इसका अर्थ करेंगे। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहां मुलायम का अर्थ होगा स्वच्छ। और ये सवेरा आकाश को इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके, अर्थात उड़ सके। ऊपर उठ सके अर्थात उड़ सके। यह शरद ऋतु का सवेरा अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को या समूह को बुला लेता है और आकाश को इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उड़ सके अर्थात उड़ सके। जब शरद ऋतु का सवेरा होता है तो बच्चे इकट्ठे होकर के झुंड बनाकर, समूह बनाकर छतों पर या खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और आकाश भी इस समय इतना स्वच्छ होता है कि उसमें पतंग आसानी से उड़ने लग जाती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यहाँ दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को कहा है। ये देखिए, उड़ सके, उड़ सके, उड़ सके, ये तीनों पंक्तियों के अंत में हैं, लेकिन हम उड़ सके का अर्थ एक ही बार करेंगे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। हम जानते हैं कि पतंग बिल्कुल हल्की होती है और रंगीन कागज से बनाई जाती है, तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसमें, इस पतंग की बात कर रहे हैं, इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज लगाते हैं, बिल्कुल हल्का सा कागज लगाते हैं जिससे ज़्यादा भार नहीं हो जाए, वजन नहीं हो जाए, उड़ने में ज़्यादा परेशानी ना आए। इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं। अब हम अर्थ करेंगे, जिससे यह आसानी से उड़ सके। बिल्कुल हल्का कागज लगाते हैं, हल्का और रंगीन कागज लगाते हैं और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं। पतंग हम जानते हैं कि इस तरह से पतंग के कमानी लगाई जाती है, एक इस तरह की बांस की कमानी होती है पतंग में और एक इस तरह की होती है, तो इससे ये आसानी से उड़ पाती है। तो ये जो बांस की कमानी और ये वाली बांस की कमानी लगाई जाती है जिससे पतंग आसानी से उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं जिससे यह आसानी से उड़ सके। और जैसे ही पतंगे उड़ना शुरू हो जाती हैं, बच्चों की सीटियां और किलकारियां भी शुरू हो जाती है। बच्चों की सीटियां और किलकारियां भी शुरू हो जाती है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, नाजुक यानी कोमल,
तितलियों की नाजुक दुनिया, यहां से प्रश्न बन सकता है कि किसे कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार तितलियां रंग बिरंगी होती है और आसानी से काफ़ी ऊंचाई में भी वो उड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार पतंगे भी रंग बिरंगी होती है और आकाश में ऊंचाई तक वह उड़ पाती है। इसलिए आकाश में जो रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं उन्हें तितलियों की कोमल दुनिया कहा गया है। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों की कोमल दुनिया कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार तितलियां रंग बिरंगी होती है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ती है, ठीक उसी प्रकार पतंगे भी रंग बिरंगी होती है और आकाश में ऊंचाइयों तक वह उड़ती है। इसलिए रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। धन्यवाद।